अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इज़ अ पोइम बाय जुल्फिकार होस एंड अ ड्रैगन फ्लाई इन द सन। इट इज़ द रिक्वेस्टेड पोइम, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। द आफ्टरनून्स लाइट इज कॉट इन द ड्रैगन फ्लाईज विंग्स, वेयर ट्रांसपेरेंसी परमिट्स नो रिफ्लेक्शंस एंड येट विल नॉट गिव फ्री पैसेज टू द सन, प्रिजर्विंग द सर्फेस द ब्राइटनेस ऑफ रीडर्स webbing as a fragile brilliance of gleaming points which make the wings nearly. I will explain this poem so you have no difficulty in it to understand the basic idea of the poem by Zulfikar Ghoz. He wants to say that the afternoon's light is caught in the dragonfly. Now have you already seen that dragonfly in the first slide? It is like an insect, एक छोटा सा कीड़ा होता है, पतंगा भी इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पर जुल्फिकार गोस क्या बोल रहे हैं कि जो दिन की रोशनी है, मतलब सूरज की रोशनी जो दिन के टाइम होती है, उसकी रोशनी ड्रैगन फ्लाई ने अपने विंग्स के अंदर पकड़ ली है, मतलब उसके विंग्स के ऊपर रोशनी आ गई है। द आफ्टरनून लाइट इज कॉट इन द ड्रैगन फ्लाईज विंग्स वे ट्रांसपेरेंसी परमिट्स नो रिफ्लेक्शन। एंड इस लाइन का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी मीन्स द थिंग विच इज़ क्लियर, मतलब वाटर ले लो या ग्लास जो बिल्कुल क्लियर होता है। और उसके पर भी ऐसे ही हैं, लाइक विंग्स वेयर ट्रांसपेरेंसी परमिट्स नो रिफ्लेक्शन, के उसके विंग्स ऐसे हैं कि सूरज की रोशनी वहाँ से पास डायरेक्टली पास हो जाती, मतलब कोई रिफ्लेक्ट नहीं करती, सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती उसके परों से। जैसे एक मिरर हम लेते हैं, उसको अगर हम सूरज के सामने रखेंगे तो उसकी जो रोशनी आएगी, सूरज की रोशनी मिरर के ऊपर आ गई तो वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी वापस। लेकिन ड्रैगन फ्लाई के पर ऐसे हैं कि उसके ऊपर अगर सनलाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो डायरेक्ट पास हो जाएगी, उसके परों से पास हो जाएगी आगे की तरफ। एंड येट विल नॉट गिव फ्री पैसेज टू द सन। और इस लाइन का क्या मतलब है कि कुछ जगहें ऐसी भी हैं, उसके पर में कुछ जगहें ऐसी भी हैं कि जहाँ से सनलाइट पास नहीं होती, मतलब वहाँ से सनलाइट नहीं गुजर सकती, हाफ मतलब कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस मुड़ जाती है। प्रिजर्विंग द सरफेस द ब्राइटनेस ऑफ रीडर्स वेबिंग एज अ फ्रेजाइल। और उसके पर इतने नाजुक हैं, फ्रेजाइल मीन्स वीक, नाजुक, ब्रिलियंस ऑफ ग्लीमिंग पॉइंट्स विच मेक द विंग्स नियरली। Now continue this line for in the next line. Invisible. अब उसके पर है इतने फ्रेजाइल टाइप के हैं, बहुत नाजुक हैं कि वो इनविजिबल हो जाते हैं अगर उसके ऊपर सन लाइट आए तो। एंड द डायगोनल मार्किंग्स अपीयर एज टाइनी इ रेडिएशन ऑफ अ वेरी फेंट पिंक एंड ब्लू एंड द ड्रैगन फ्लाई डार्ट्स अप अगेंस्ट द सन एज इफ इट इज प्लक्ड कलर्स फ्रॉम द एयर एंड इमिडिएटली डिस्कार्डेड देम। और अब इन लाइन्स का क्या मतलब है कि जब भी उन परों के ऊपर सूरज की रोशनी आती है तो वो डायगोनल मार्किंग्स बनाती हैं। डायगोनल मार्किंग्स लाइक वेब बनता है, जिस तरह मकड़ी का जाला होता है, ये तो अब ऐसे नहीं बनेगा, इस तरह टाइप, इस तरह की बनती है शेप, शेप इस तरह की बन जाती है। एस टाइनी रेडिएशन ऑफ वेरी फेंट पिंक एंड ब्लू व्हेन द ड्रैगन फ्लाई डार्ट्स अप। अब जैसे ही वो ज़मीन से उठती है और वो कलर्स कैसे प्रोड्यूस करती है, जिस तरह से प्रिज्म, हमने मैट्रिक में जैसे हमने प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, प्रिज्म को अगर हम सूरज के ऊपर, सूरज की रोशनी अगर हम प्रिज्म के ऊपर लेकर आए तो प्रिज्म में से 7 टाइप के कलर्स निकलेंगे, लाइक 7 कलर्स निकलेंगे। इसी तरह अगर ड्रैगन फ्लाई के पर के ऊपर अगर सनलाइट आएगी तो वो 7 कलर्स इमिट करेगी। और यहाँ पर पिंक और ब्लू का बताया गया है कि उसके ऊपर जब आएंगे तो पिंक और ब्लू कलर वो इमिट करेगी और वो कलर्स को फैला देगी, जो हवा से उसने कलर्स लिए हुए होंगे उनको फैला देगी एंड इमिडिएटली डिस्कार्ड देम, उनको फैला देगी उड़ते साथ ही, लाइक अपने पैरों को खोलेगी और फैला देगी। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इंटेंसिटी। अब राइटर हमें बोल रहा है कि ये लम्हा जो है बहुत खूबसूरत लम्हा होता है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इंटेंस मोमेंट दैट हाउ अ कलरलेस ऑब्जेक्ट हैज थ्रोन कलर्स ऑन अ
surface of the afternoon's light gathering in the garden in a brief flickering of a dragonfly's wing just above the red blossoms of the pomegranate. अब वो यहाँ पर राइटर पोइट ये बोल रहा है कि पोमीग्रेनेट के फूल के ऊपर बैठी हुई है और खूबसूरत कलर फैला रही है और खूबसूरत वीएन हमें दे रही है. ड्रैगन फ्लाई पतंगा हम कह सकते हैं इसे. दैट वॉज द एंड ऑफ दिस पोइम. आई होप दैट यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू.